प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची, लेकिन वो बीच बैठक में ही बाहर चली गई। नीति आयोग की बैठक को लेकर मचे घमासान से ये सिद्ध हो चुका है कि सरकार विपक्ष एक दूसरे को तरजीह देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। वहीं इंडिया गठबंधन के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाई, जिसमें पंजाब के सीएम भगवत मान, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, केरल के सीएम विजय पिनराई शामिल नहीं हुए। वहीं बिहार के सीएम भी इस बैठक में आने से नाराज दिखे। उन्होंने किसी निजी वजहों का हवाला देते हुए बैठक में न पहुंचने का हवाला दिया। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची, लेकिन वो बीच बैठक में ही बाहर चली गई। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। उनके इन आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा है कि उनके बोलने का समय पूरा हो गया था, जिसकी वजह से उनका माइक बंद कर दिया गया। दिल्ली में हो रही नीति आयोग की बैठक में बजट में हुए भेदभाव का आरोप लगाते हुए विपक्ष के दलों ने बॉयकॉट किया, जिसके बावजूद ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होती नजर आईं, लेकिन वो कुछ ही समय में इस बैठक को छोड़कर बाहर निकल आईं। ममता ने बैठक से बाहर आकर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि बैठक में उनके बोलने पर रोक लगा दी गई और माइक बंद कर दिया गया। ममता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, जबकि बैठक के दौरान उन्होंने फंड की मांग की तो उनके माइक को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में उन्हें केवल 5 मिनट ही बोलने का समय दिया गया। ममता ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। ममता बनर्जी आगे कहती है कि मैं बीच बैठक में छोड़कर आई हूं। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 10-12 मिनट तक बात की, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे सिर्फ 5 मिनट में ही रोक दिया गया, जो कि गलत है। ममता ने बताया कि वो बैठक में इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि कई मुद्दों को उठाना था, जिनमें सहकारी संघवाद को मजबूत करना, क्योंकि एक राज्य मजबूत है तो संघ मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कई क्षेत्रों की आकांक्षाएं हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। मेरा आज यही कहना था कि सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। मैं उन सभी राज्यों की ओर से बोल रही हूँ जिन्हें वंचित रखा गया। दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव क्यों? बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में बंगाल सहित अन्य राज्यों को वंचित रखा गया और कहा कि बजट पूरी तरह से राजनीतिक रूप से पक्षपाती है। ममता ने कहा कि नीति आयोग के पास वित्तीय अधिकार नहीं है, ये कैसे काम करेगा? इस वित्तीय अधिकार दें या योजना आयोग को वापस लाएं। विपक्ष की ओर से मैं सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन सरकारी सहकारी संघवाद के पक्ष में नहीं। उन्होंने मनरेगा फंड की बात करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों से बंगाल को मनरेगा फंड से वंचित रखा गया है, कुछ भी भुगतान नहीं किया गया। वहीं केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के लगाए गए इन आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी के लिए किए जा रहे सभी दावे गलत हैं। उन्होंने बताया ममता बनर्जी का माइक समय खत्म होने पर बंद किया गया, यहाँ तक कि समय बताने के लिए बेल भी नहीं बजाई थी उन्होंने। आगे उन्होंने कहा कि नाम के आधार पर ममता बनर्जी के बोलने की बारी लंच के बाद आनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के स्थान पर बोलने दिया गया। जो आपको डायरेक्शन देता है काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए। मैं ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, देन हाउ द कंट्री विल रन? व्हेन यू आर इन पावर यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने जो बोला एक मिनट बोला है उसको बोलो मत यार, बस मैं हूं माइक स्टॉप कर। मैं बोलने चाहते थे उत्तराखंड, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और अपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन, आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फॉर देम। पश्चिम बंगाल सरकार ने जल्दी बोलने का अनुरोध किया था क्योंकि उन्हें जल्दी वापस लौटना था। माइक बंद करने का आरोप के आरोपों पर वित्त मंत्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा सीएम ममता इस बैठक का हिस्सा थी और हम सभी
ने उन्हें सुना है। उन्होंने कहा कि हर राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने के लिए एक लिमिटेड समय दिया गया था और समय को दिखाने के लिए उनकी टेबल पर एक स्क्रीन लगाई गई थी। वित्त मंत्री ने बताया कि ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करने के दौरान बताया कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो कि पूरी तरह से झूठ है। आगे उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनका माइक बंद कर दिया गया, जो सच नहीं है। उन्हें सच बोलना चाहिए, ना कि झूठ पर बनाई गई कहानी। ममता बनर्जी के आरोपों पर मोदी सरकार में मंत्री प्रहलाद जोशी टीएमसी सुप्रीमो पर विफल पड़े और इन पर आरोप उन्होंने मीडिया से भी बताया। मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि मैंने नहीं देखा कि नीति आयोग की बैठक में क्या हुआ। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि तथाकथित इंडिया गठबंधन बिल्कुल भी गठबंधन नहीं है, क्योंकि ममता ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वो कांग्रेस को कितना सम्मान वह देती हैं ये सभी जानते हैं। वे लोगों के जनादेश को पचा भी नहीं पा रहे, वे बेमाने का रोना रो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या संसद में माइक बंद करने का मुद्दा बाहर निकलकर प्रधानमंत्री की मीटिंग्स तक आ गई है। इस आरोपों में कितनी सच्चाई है, अब इसका जवाब तो ममता बनर्जी और केंद्र सरकार ही दे सकती है। नीति आयोग की बैठक को लेकर बचे घमासान से ये सिद्ध हो चुका है कि सरकार विपक्ष एक दूसरे को तरजीह देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। भारत टाइम में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।